नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमारे YouTube चैनल शार्क टैंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि आप जो है एफिलिएट जो है लिंक से जो है आप अपने YouTube चैनल पे जो है आप ढेरों सारे जो है पैसे को अर्न कर सकते हैं और जो है उस लिंक को दोस्तों ब्लॉग पे भी डाल करके आप जो है पैसा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर जो आप सबने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हम अमेज़न का जो है एफिलिएट जो है जो प्रोग्राम होता है एसोसिएट प्रोग्राम जो होता है उसको कैसे हम क्रिएट करें और कैसे दोस्तों उस लिंक को हम यूट्यूब पर जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में कॉपी करें और क्या क्या जो है इसमें चीज़ है इसको जो हम थोड़ा डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि जो एसोसिएट प्रोग्राम है अमेज़न का वो स्टार्ट कैसे करते हैं। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं मेरा जो मैं क्रिएट कर चुका हूं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर जो आप अमेज़न पे जिस ईमेल से जो है आप लॉगिन कर रहे हैं वहां पे बनाना चाहते हैं तो वहां से पहले आप लॉगिन हो जाइए दोस्तों। अब यहां पे दोस्तों यहां पे लिखा है बीकम, आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है बीकम एन एफिलिएट। तो यहां से दोस्तों हम इसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अगर जो आपका बना हुआ होगा तो यहाँ पर जो है आ जाएगा, नहीं तो जो है उसका फॉर्म फिलअप करने के लिए दोस्तों आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो है ये मैं भी अभी जल्दी क्रिएट किया हूं दोस्तों। तो मैं इसको जो है मैं आपको बताता हूं इसमें कौन कौन से जो है आपको चेंजेस करने होते हैं। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर जो आप नए हैं मतलब नया जो है आप बनाना चाहते हैं तो यहां पे दोस्तों जब आप क्रिएट करेंगे तो आपसे लॉगिन का जो है पूछा जाएगा। आप लॉगिन रहिएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे आपको साइन अप करना है दोस्तों। यहाँ दे रिकमेंडेड प्रोडक्ट अर्न एडवर्टाइजिंग फी। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा हमको साइन अप पहले करना होगा। तो उसके बाद जो है साइन अप करने के बाद जो है आपके पास जो फार्म आएंगे दोस्तों मैं उसको जो है आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जो कुछ भी हर चीज़ जो है मैंडेटरी वगैरह ईमेल वगैरह या टैक्स इन्फॉर्मेशन हर चीज़ जो है आपको एड्रेस और आपका स्टोर का नेम एम जो है हर चीज़ जो है आपको फिलअप करना होगा। तो मैं दोस्तों जो मैं बनाया हूँ उसको मैं बताता हूँ। उसमें मेन चीज़ बनाना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, आप सिंपल सा जो है स्टेप फॉलो करके जो है आप बना सकते हैं उसको। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ उसमें बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारा अकाउंट है जो इसमें बना हुआ, मैं लॉगिन किया हूँ और इसको जो मैं बना चुका हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए अगर जो आप बना चुके हैं तो यहाँ पे सबसे पहले बाद में भी आप कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन छूटा है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे है चेंज योर पासवर्ड, पासवर्ड को भी आप चेंज कर सकते हैं। एडिट योर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। दोस्तों अगर जो आप अपना जो है ये अमेज़न का जो एसोसिएट प्रोग्राम जो है आप इसको फिलअप कर देते हैं, आप कंप्लीट कर देते तो यहाँ पे बीच में आपको आएगा जो है यहाँ पे एडिट योर वेबसाइट दोस्तों, ठीक है। वेबसाइट एडिट मैंने कहने का मतलब ये है कि आप अपने ब्लॉग पर भी जो है वो लिंक डाल सकते हैं। जो लिंक आपको प्रोवाइड होगा प्रोडक्ट का वो लिंक जो है अपने ब्लॉग भी डाल सकते हैं। आप अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी जो है उसको शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर शेयर कर जो है आप मनी को अर्न कर सकते हैं दोस्तों। अगर जो कोई भी चीज़ आपका अच्छा व्यूज़ आ रहा है आपके चैनल पर, आपका ब्लॉग चल रहा है दोस्तों, तो वहाँ पे दोस्तों अगर जो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप थोड़ा सा ब्लॉग पे जानकारी भी दे दिए हैं, यूट्यूब पे बारे में जानकारी दिए हैं तो वहाँ से दोस्तों लोग उसको परचेज भी करेंगे तो वहाँ से आपको कुछ कमीशन दोस्तों मिलेगा। अब जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जो है यहाँ पे आपको देखिए वेबसाइट का नाम जैसे आप ब्लॉगिंग जो आपका वेबसाइट है उसका जो है लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया है दोस्तों। उसके बाद मैंने ट्विटर का मान लीजिए आप शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब चैनल का जो है जितना कुछ है दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है चैनल भी मैंने यहाँ पे और फेसबुक इंस्टाग्राम हर चीज़ जो है यहाँ पे उसका लिंक जो है मैंने डाल रखा है। और अगर जो मान लीजिए आपके पास कोई ऐप है, आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपर हैं तो दोस्तों उस कंडीशन में आप अपने इसका जो है ऐप का जो है लिंक जो है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इंटर योर मोबाइल ऐप URL, जो मोबाइल ऐप URL है दोस्तों वहाँ पे भी जो आप डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक मोबाइल ऐप डेवलपर हैं तो आप अपने उसके अंदर जो है उसका लिंक डालेंगे दोस्तों, वहाँ से लोग परचेज करेंगे। मान लीजिए आपका ऐप देख रहे हैं, आपका ऐप कोई इंफॉर्मेटिव चीज़ है तो वहाँ से जो ट्रैफिक भी आपका आएगा। उसके उसमें आप प्रचार भी लगा सकते हैं दोस्तों, गूगल का जो है एड्स जो होता है मोबाइल्स होता है वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो है ये अमेज़न का जो है जो भी एफिलिएट चाहे वो अमेज़न हो चाहे फ्लिपकार्ट हो दोस्तों या कोई और भी चीज़ हो किसी भी मतलब वेबसाइट का या किसी भी
प्लेटफार्म से जो है आप अर्न करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी दोस्तों ये मोबाइल ऐप का भी जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये चीज़ जो है डाल करके दोस्तों आप कर सकते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे डालना ज़रूरी है। अगर जो आप किसी वेबसाइट ब्लॉग से कर रहे हैं तो करना जो है ज़रूरी है, और उस पर जो है आप अपने जो डिस्क्लेमर है, जो एफिलिएट डिस्क्लेमर है, उसको भी आपको रखना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। जो डिस्क्लेमर या प्राइवेसी पॉलिसी है उसके अंदर जो है ये अमेज़न का जो है एफिलिएट प्रोग्राम का जो है डिस्क्लेमर आप डाल सकते हैं कि हाँ आपको जो है इससे कमीशन मिल रहा है, आप उसको चीज़ जो है रिवील कर सकते हैं, नहीं करेंगे दोस्तों इन फ्यूचर आपको दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों अगर जो इसका प्रोग्राम बना करके दोस्तों आप जो है अच्छा खासा मनी अर्न कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो है एडिट योर वेबसाइट इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए वेबसाइट कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आप किसी वेबसाइट से जो है करना चाहते हैं तो वहाँ वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन भी आप एडिट कर सकते हैं। देखिए जो मैं भरा हूँ दोस्तों ये चीज़ भी आप में आएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए कि प्रोफाइल है व्हाट योर वेबसाइट ऑन मोबाइल ऐप अबाउट, मान लीजिए मोबाइल ऐप जो है या नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। माई वेबसाइट कंटेंस ब्लॉग एंड सोशल मीडिया प्रमोशनल टूल में टूल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर टूल, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल रखा है कि मतलब मेरा वेबसाइट किस टाइप का है, व्हाट टाइप योर वेबसाइट मोबाइल ऐप, ठीक है। मान लीजिए ब्लॉग है, और भी यहाँ पे चुन सकते हैं, यहाँ पे कंटेंट वेबसाइट है, ठीक है, ब्लॉग है, कंटेंट वेबसाइट है, तो यहाँ पे मान लीजिए सिंपल सा ब्लॉग है तो ब्लॉग भी कर सकते हैं, यहाँ पे कंटेंट वेबसाइट है तो उसको भी आप रख सकते हैं, कंपेरिजन शॉपिंग इंजन कंटेंट वेबसाइट मैन्युफैक्चरर, तो यहाँ पे दोस्तों वेब ब्राउज़र या कुछ सोशल मीडिया पेज, इस पर एक ही दोस्तों आप कर सकते हैं, ठीक है, ब्लॉग भी ब्लॉग कर सकते हैं कि हमारा जो है ब्लॉग है। तो कंटेंट वेबसाइट का मतलब ये है कि कोई दूसरा चीज़ है जो केवल कंटेंट है, उस पर ब्लॉग का मतलब उसमें आप जो है उसके बारे में बताएंगे, उस पर आप लिंक डालेंगे। मान लीजिए किसी फ्रिज के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, उसके फीचर के बारे में, या किसी मोबाइल के फीचर के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे उस मोबाइल का जो है डिस्क्रिप्शन में उसमें जो है नीचे आप उसका लिंक जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपका एफिलिएट लिंक जो मिलेगा उस प्रोडक्ट का बनाएंगे, वो चीज़ जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो है ये चीज़ जो है आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। देखिए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं बना चुका हूँ, इसलिए पेज को दोस्तों ओपन कर रहा हूँ। देखिए एडिट योर वेबसाइट इन्फॉर्मेशन हो गया दोस्तों, मैनेज योर ट्रैकिंग आईडी, लिंक स्टोर आईडी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिंक स्टोर आईडी जो बन रखा है दोस्तों उसको जो है, तो यहाँ पे देखिए ऐड स्टोर टू लिंक, ठीक है, ऐड स्टोर टू लिंक, यहाँ पे लिंक में जो है ऐड स्टोर आईडी यहाँ पे आप कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है मेरा बना हुआ है। तो और यहाँ से दोस्तों मैनेज अकाउंट यूजर एंड सेलेक्ट योर प्राइमरी ईमेल एड्रेस, यहाँ पे चेंज करते हैं, चेंज योर ईमेल प्रेफरेंस एसोसिएट साइट स्ट्रिप ऑप्शन। अब यहाँ पे दोस्तों इसमें देखते हैं क्या है, एसोसिएट साइट स्ट्रिप ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर जो आप एफिलेट जो है प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों, आपका जो है हर एक चीज़ जो है कंप्लीट हो जाता है, तो आप अमेज़न जो है उसके होम पेज पे इसके ऊपर दोस्तों एक स्ट्रिप आ जाएगा इस प्रकार का दोस्तों, आप डायरेक्ट दोस्तों कोई भी पेज किसी भी प्रोडक्ट का पेज खोलेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का पेज अगर जो आप ओपन किए हैं तो यहाँ पे दोस्तों तुरंत आ जाएगा, और यहाँ से दोस्तों उसका टेक्स्ट गेट लिंक टेक्स्ट, यानी कि उस प्रोडक्ट का लिंक जो है डायरेक्ट जो है आप शॉर्ट लिंक करके जो है यूज कर सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ दोस्तों इस चीज़ को। तो ये स्ट्रिप आ जाएगा दोस्तों, मैं नहीं किया था तो मेरा स्ट्रिप ये नहीं आया था, लेकिन अब ये अमेजन एसोसिएट जो है साइट स्ट्रिप यहाँ पे आ जाता है दोस्तों ये सब करने से। तो ये चीज़ जो है हमको डिस्प्ले स्टेटस इनेबल, ठीक है, डोंट यूज एसोसिएट स्ट्रिप ऑन अमेजन इन यू कैन टर्न इट ऑफ, ठीक है, अब मेरा दोस्तों ये इनेबल है तो इसको मैं डिसेबल कर सकता हूँ। चेक आइटम विल अपीयर इन योर साइट स्ट्रिप, देखिए गेट लिंक शेयर, शेयर का भी लिंक आएगा डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे, देखिए आप उस लिंक को डायरेक्ट कहीं भी आप शेयर भी कर सकते हैं, आप कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है, यानी कि जो चीज़ भी मान लीजिए आप अपने जो है उस पर वेबसाइट लिंक में दोस्तों यूट्यूब दिए हैं, सोशल मीडिया का लिंक दिए हैं, वेबसाइट का लिंक दिए हैं, तो और कहीं तो आप करेंगे नहीं दोस्तों, आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे भी लिंक भेज करके आज आप जो है अर्न कर सकते हैं, उसमें भी लिंक आता है कि किसी भी पेज पे कहीं भी, ठीक है, ऐसा लिंक आएगा किसी भी पेज कहीं भी जो है आप कर सकते हैं, तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मान लीजिए हम ये मान के चल रहे हैं कि आप कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, कोई बड़ी भारी बात नहीं है,
ठीक है। अब मान लीजिए हम इस पे होम पे आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इस होम पे दोस्तों आप डायरेक्ट जो है पेज को, लिंक को क्रिएट कर सकते हैं। ये दोस्तों जो एरिया है, क्योंकि मैं भी नया बनाया हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत पुराना हूँ, मैं आपको कोई लिस्ट दिखाऊंगा मैं इतना अर्न कर चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है दोस्तों, मैं इसमें कुछ अर्न नहीं किया हूँ दोस्तों, ठीक है। अर्निंग ओवरव्यू जो हमारा ये चीज़ होता है, ठीक है, देखिए मेरा हर कुछ सब 0-0 है, क्योंकि मैं स्टार्ट किया हूँ इसलिए मैं वीडियो जो है बना रहा हूँ। मैं जानता था दोस्तों, लेकिन मैं इसको कर नहीं पाया था काफ़ी दिन से जो है, तो मैं और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर जो आप जिस दिन से अगर जो अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं उस दिन से दोस्तों 180 दिन के बीच में, यानी कि 180 दिन यानी कि 6 महीना मतलब होता है 30 हाँ 18 6 महीने के बीच में दोस्तों, यानी कि 180 दिन के बीच में आपको 3 प्रोडक्ट सेल करने होंगे। कोई भी 3 प्रोडक्ट जो है आपको अपने एसोसिएट प्रोग्राम के द्वारा जो है सेल करने होंगे, तभी जो है आपका एक्टिव रहेगा, नहीं तो आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा अकाउंट दोस्तों। ये ध्यान रखना, आपको उस 6 महीने के भीतर जो है आपको 3 प्रोडक्ट जो है सेल करने होंगे, किसी भी अपने रिलेटिव के माध्यम से, कहीं भी कोई घर का मेंबर है, कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, किसी से भी कोई चीज़ परचेज करने वाला है दोस्तों, तो आप उसको लिंक बना करके उसको सेंड कर दीजिए, वो उससे परचेज करेगा, आपका कमीशन भी बन जाएगा, आपका जो है ये प्रोग्राम भी आपका सस्पेंड नहीं होगा दोस्तों। तो इसको जो है 6 महीने तक जो है ये सब चीज़ करना है दोस्तों, जिससे आपका चैनल ये जो प्रोग्राम है आपका, जो एफिलिएट प्रोग्राम है, ये जो है सस्पेंड ना हो दोस्तों। तो ये चीज़ जो है इतना जानकारी इसमें है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि इसके प्रोग्राम इसको जो है लिंक को कैसे बनाया जाए दोस्तों, ठीक है। अब लिंक बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप कहीं भी अपनी वेबसाइट पे देखिए, बैनर एनर भी यहाँ पे दिया है, आप बैनर एनर भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मान लीजिए अपने वेबसाइट पे दोस्तों आप स्टोर बना कर रखे हैं और स्टोर पे दोस्तों एकदम सजाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए अमेज़न वंटी प्रोग्राम में लिंक टू एनी पेज, यहाँ बैनर्स, यहाँ देखिए प्रोडक्ट लिंक, लिंक टू एनी पेज। अगर ये या बैनर है, बैनर लगाना चाहते हैं अपने स्टोर के लिए, तो वो अलग चीज़ है। और लिंक टू एनी पेज यानी कि मान लीजिए हम यूट्यूब पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कहीं भी हम पेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम कर सकते हैं। देखिए चूज, ये देखिए लिंक टू फेवरेट डेस्टिनेशन, ये फेवरेट डेस्टिनेशन के लिए है। लिंक टू सर्च रिजल्ट, अगर जो सर्च रिजल्ट में आप रखना चाहते हैं तो जिसे कीवर्ड डालना पड़ेगा, लेकिन हमको ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमको एकदम सीधा सीधा चाहिए। लिंक टू एनी पेज, कहीं पे किसी भी पेज पर, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या यूट्यूब हो, वेबसाइट हो, कहीं भी हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इंटर URL, हम अपने प्रोडक्ट का जो है URL यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम प्रोडक्ट जो है ये चीज़ जो है हम पेज को ओपन किए हैं दोस्तों, तो ठीक है, तो इस पेज को जो है हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल है यहाँ पे स्टोर, अब मान लीजिए जो स्टोर, मान लीजिए हम अपना डाल जाते हैं A to Z, हम ये डाल देते हैं कुछ जो है, या प्रोडक्ट के बारे में ही डाल दीजिए, ये सब मत डालिए, क्योंकि जो नाम है उस प्रोडक्ट का दोस्तों, मान लीजिए प्रोडक्ट का जो है इसमें नाम हम दिया है, जो हमने मान लीजिए इंक को परचेज किया है, तो ये चीज़ परचेज करने के लिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए ये चीज़ है दोस्तों, ठीक है। अब इस चीज़ को हमको करने के लिए उसका जो है ये चीज़ यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं दोस्तों। अब इस लिंक को जो है यहाँ पे हम दोस्तों, ठीक है, पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट करने के बाद दोस्तों ये दूसरा लिंक है, सॉरी वो गलत हो गया, ये चीज़ जो है दोस्तों यहाँ पे हमको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब जो दोस्तों पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे get HTML, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक हाइपरलिंक जो होता है, जो HTML पेज में जो बनता है दोस्तों, ये चीज़ पूरा बन के आ गया। ये चीज़ जो है आप अपने ब्लॉग पे जो है आप पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये HTML में उस प्रोडक्ट का जो है लिंक बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है उठा करके आप ब्लॉग पे पोस्ट करते हैं। ये दोस्तों ये चीज़ आप YouTube पे नहीं कर सकते दोस्तों, YouTube को करने के लिए दोस्तों ये चीज़ जो है आपका यहाँ पे जो दिया है ये इतना प्रोग्राम, ये इतना सॉरी ये इतना जो लिंक दिया हुआ दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ तक जो लिंक दिया होगा दोस्तों, उस चीज़ को आपको वहाँ पे पेस्ट करना है। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा लिंक होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस चीज़ को यहाँ पे नहीं करना है। अब आपको मैं बताता हूँ, यहाँ से आपको अगर जो वेबसाइट पे ब्लॉगिंग पे है तो यहाँ से आपको उठाना होगा ये चीज़, ठीक है। अगर जो आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कंटेंट राइट कर रहे हैं, तो अपने पेज पे दोस्तों इसको पेस्ट करना है इस लिंक को, ठीक है। वहाँ पे आप ऐसे जनरली जो है
पेस्ट कर देंगे तो लिंक नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि लिंक बनाने के लिए जो है हमको HTML कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मान लीजिए कि हमारा यही प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं यही प्रोडक्ट जो है परचेज करना चाहता हूँ, मान लीजिए प्रिंटर का जो है ये इंक है दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, हमको ऐसे इसको इस पर सर्च कर लेना दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट हो हमको उस पर सर्च कर लेना है और उसको ओपन कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट दोस्तों ये आ गया, मान लीजिए ये चीज़ जो है, तो आपको मैं बता दिया ना कि जो अमेज़न का साइट स्ट्रिप होता है यहाँ पे सबसे टॉप पर आ जाता है, यहाँ पे देखिए अमेज़न एसोसिएट साइट स्ट्रिप यहाँ पे आ जाता है दोस्तों। अगर जो यहाँ पे जो कुछ भी लिंक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप गेट लिंक दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इमेज ले सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट प्लस इमेज भी ले सकते हैं दोस्तों, टेक्स्ट प्लस इमेज भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं टेक्स्ट प्लस इमेज पे कॉपी करता हूँ, अब ये देखिए टेक्स्ट भी आ जाएगा, इमेज भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ओपन न्यू वेब शो वर्ड, तो इस प्रकार का जो है यहाँ पे एक आपका बटन टाइप का भी आ जाएगा शॉप नाउ। तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे देखिए ये आपका कोड एक फ्रेम भी बन गया दोस्तों, ठीक है, एक फ्रेम भी बन गया। इस चीज़ के अंदर जो है आपका इमेज और बटन जो है न्यू टैब में जो आपको खुल गया, ये चीज़ जो है किसके लिए है दोस्तों, ये वेबसाइट के लिए है। अगर जो आप अपने वेबसाइट पे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कंटेंट राइट कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, तो आप जो है अगर जो उसी के बारे में पोस्ट डाल रहे हैं कि मतलब ये चीज़ इसके बारे में आप समझा रहे हैं कुछ, ये इंक सही है कि गलत है, ये अच्छा नहीं है या सही है, इसके बारे में फिर नीचे जो है आप डिस्क्रिप्शन उसके नीचे सबसे लिंक डाल दीजिए कि आप जो है आप हमारे इस एसोसिएट प्रोग्राम के थ्रू जो है परचेज कर सकते हैं दोस्तों। आप उसका लिंक डाल देंगे और ये चीज़ जो है ऐसा डाल देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये इमेज भी आ जाएगा और शॉप नाउ का बटन भी आ जाएगा दोस्तों, एक फ्रेम के अंदर जो है ये ओपन होगा। तो टेक्स्ट प्लस इमेज लिंक क्रिएटेड बिलो कॉपी, इसको कॉपी करके आप उस पर पेस्ट कर सकते हैं। अब अगर जो आपको दोस्तों ये नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ नहीं करना है, तो केवल आपको जो है क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट दो है, देखिए एक होता है फुल, एक दोस्तों यहाँ पे फुल है, ठीक है, ये फुल टेक्स्ट जो है आप लिंक जो है आप कहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं दोस्तों, चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम होगा, यूट्यूब होगा, डिस्क्रिप्शन में सबके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा दोस्तों है तो कहीं कोई चीज़ मिस कर देगा, दिक्कत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट लिंक यहाँ पे है, देखिए आप देख सकते हैं इसी का शॉर्ट लिंक बना हुआ है। यही चीज़ दोस्तों कॉपी करके आपको करना क्या है, देखिए ये चीज़ आपको कॉपी करके आपको अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करना है। कहाँ, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये हमारा जो है ये हमारा चैनल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखिए मैं अपना डिस्क्रिप्शन में पेस्ट किया हूँ कैसे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ जो सेटिंग में जाऊँगा जहाँ हम डिस्क्रिप्शन को जो है पेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमको हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बार बार पेस्ट करेंगे कहीं भूल जाएगा, मिस हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमको करना क्या है, यहाँ पे जो है अपलोड जो डिफ़ॉल्ट होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टाइटल जो डिस्क्रिप्शन होता है, देखिए यहाँ पे सबसे नीचे दो है, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे सबसे नीचे कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देख मैंने आप जो है जो कुछ भी प्रोडक्ट यूज किया है, मैं दोस्तों वही लिंक किया हूँ जो मैं प्रोडक्ट परचेज किया हूँ, वही सी का लिंक बना के जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ दोस्तों, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ब्लॉग कैमरा में लिया था, ट्राईपॉड लिया था, उसके बाद अमेजिंग बेसिक लाइट वेट मिनी ट्राईपॉड लिया था, तो इस चीज़ का लिंक आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर दिया। फिर कैमरा यूएसबी कैमरा एडेप्टर है, फिर मोनो का जो है कंडेंसर यूएसबी में परचेज किया था जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ दोस्तों, फिर एक और कंडेंसर है, फिर एयरपॉड प्रो जो है एयर जो एप्पल का एयरपॉड पॉड्स प्रो होता है जो ईयरबड्स होता है उसको मैं परचेज उसका भी लिंक दिया। फिर इसमें दोस्तों ये सोनी का एयरबड्स लिया था उसका भी लिंक दिया हूँ दोस्तों। फिर उसके बाद जो है ब्लूवती लिया था जो माइक्रोफोन वो होता है माइक्रोफोन होता है उसको उसका लिंक दिया हूँ। फिर माउस का लिंक दिया हूँ। तो ऐसे जो है 10-15-20 लिंक जो है जो मैं परचेज किया हूँ दोस्तों मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में कर दिया था, ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने हर एक पेज को जो है यहाँ पे बना करके इसको देखिए मैं ये चीज़ पेज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये चीज़ जो है मैंने यहाँ पे देखिए बनाया, मैंने हर एक प्रोडक्ट के बारे में देखिए आप यहाँ पे लिंक जो है अमेज़न का इस प्रकार का जो है लिंक बन के सब में आ जा रहा है दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस चीज़ को जो है मैं जा करके वहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार का जो है आप अपने चैनल पे जो है कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है
आप ये चीज़ अगर जो आप जो है डिफ़ॉल्ट में अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं दोस्तों, तो आप जितने भी आपके चैनल हैं आप हर चैनल में जो है डाल दीजिए, और उस चैनल का लिंक जो है आप उस प्रोग्राम के तहत जो है उसमें भी ऐड कर दीजिए दोस्तों। आप जो है यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम वीडियो डाल रहे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं। यहाँ पे जो है फेसबुक है दोस्तों, फेसबुक पे वीडियो डाल रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, कहीं भी जो है शेयर कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बस अर्थ वेबसाइट वगैरह है दोस्तों, तो उस वेबसाइट पे आपको एक डिस्क्लेमर वगैरह देना पड़ेगा, क्योंकि आप गूगल का प्रचार करेंगे दोस्तों, ऐड लगवाएंगे, तो उसके लिए जो है आपको डिस्क्लेमर जो है देना ज़रूरी है। नहीं तो आपका अगर जो ये चीज़ जो है एसोसिएट प्रोग्राम डिसेबल हो सकता है दोस्तों, और अगर जो डिसेबल हो गया तो कभी भी इनेबल नहीं होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है आप अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम का यूज करके दोस्तों, आप अपने अगर जो आपके ब्लॉग पे वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, आपके यूट्यूब के पे जो है अच्छा खासा व्यूज जा रहा है दोस्तों, तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। मेरा दोस्तों न भी अच्छा खासा व्यूज नहीं जाता है, मेरा भी नया है आप लोगों की तरह, तो समझ लीजिए कि मैं भी अभी कोई अर्निंग नहीं करता हूँ। यह है कि इन फ्यूचर करने वाला हूँ, करूँगा दोस्तों, कुछ मेहनत अगर जो ऐसे करते रहेंगे दोस्तों तो हमको भी उसका जो है हमको भी बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों जो मैं आपको बताया हूँ हर एक जो स्टेप क्लियर कर दिया हूँ, कैसे एसोसिएट प्रोग्राम जो है हम इसको अकाउंट बनाएं, कैसे जो है इसके डिस्क्रिप्शन में जो है आप पेस्ट करें, तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर जो आपको का कोई जो है मान लीजिए पार्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, आप उसके डिस्क्रिप्शन में नहीं उसको डाल दीजिए। उस प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, उस प्रोडक्ट में आप वही लिंक डाल दीजिए, सेम लिंक डालिए और मत डालिए। यानी कि ये भी एक चीज़ है दोस्तों, जिसके बारे में बता रहे हैं वही चीज़ का लिंक डाल देंगे तो और अच्छा होता है दोस्तों, ठीक है, उसे लगता है कि हाँ ये चीज़ जो है यहाँ से परचेज करना चाहिए। और वहाँ पर दोस्तों आप जो है अगर जो आप लिंक डाल रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर भी YouTube के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दीजिए कि आप इससे परचेज करेंगे तो हमें कुछ कमीशन मिलेगा दोस्तों। ये भी एक जो है डिस्क्लेमर है, ठीक है, Amazon एसोसिएट डिस्क्लेमर के रूप में वहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दीजिए कि यहाँ से जो है आप इसको परचेज करेंगे तो मुझे कुछ कमीशन मिलेगा, जिससे आदमी जानबूझ करके जो है उसको क्लिक करे तो उसको पहले से जानकारी हो कि हाँ इनको कमीशन मिलेगा, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो नहीं जानता था उस परचेज कर लिया, तो ये भी जो चीज़ जो है आप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।